सरकार ने लोनार बस स्टैंड चौक, हृदय चौक से गैस सिलेंडर, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पेट्रोल पंप से सजा कर महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन में तहसील और शहर से बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महंगाई बढ़ाकर आम आदमी को लूटा जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन चुनाव होने के बाद फिर से रेट बढ़ाकर जनता को लूटने लगे हैं। पिछले 5 दिनों में पेट्रोल, डीजल की कीमत 80 पैसे प्रतिदिन बढ़कर 3 रुपए 20 पैसे हो गई है। अगर बढ़ा दिया जाए तो एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है और अब यह कुछ जगहों पर है यह रुपए से ऊपर चला गया है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी गैस महंगी हो गई है। खाद्य तेलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आम आदमी की जिंदगी दुश्वार हो गई है। ईंधन के दामों में तेजी से बढ़ोतरी, महंगाई, लोगों की खुली लूट जारी है। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार ने आंखें मूंद ली है। जनता को लूटने वाले आम लोगों में से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर जो गाड़ी कमाई लूट रहे हैं। केंद्र सरकार को जगाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, इन्होंने मुद्रास्फीति मुक्त भारत अभियान के तहत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया है। सदस्य राजेश मपारी, नगर परिषद समूह के नेता भूषण मपारी, कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष नितिन शिंदे, कांग्रेस नेता साहिबराव पटोले, ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गजानन खरात, पूर्व नगर अध्यक्ष शतिलाल गोगलिया, पार्षद आबिद खान, गुलाब सरदार, तौफीक कुरैशी, पूर्व डिप्टी मेयर शेख समद शेख अहमद, डिप्टी पंच सतीश राठौर, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष भरत राठौर, एनएसयूआई जिला महासचिव शेख जुनेद, सोशल मीडिया मोहसिन शाह, बंधु मापारी इस दौरान उपस्थित थे। या भावाडीचा फरक मोठ्या लोकांना बसत नाही, सर्वसामान्य गोर गरीब जनतेला याचा फार मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट होत असतो। आज ज्या काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये जवळपास 350-360 रुपये गॅस सिलेंडर भेटत होत, आज या भाजप सरकारनं त्याला जवळपास 1000 वरती गॅस सिलेंडरचे भाव लावून सोडले। जे पेट्रोल 50-60 रुपये काँग्रेसच्या काळामध्ये मिळत होतं, आज ते पेट्रोल डिझेल जवळपास 115 रुपये पेट्रोल आणि 100 रुपये डिझेल गेलेले, याचा इफेक्ट सर्वसामान्य जनतेला होतो। हे हरामखोर भाजपचं सरकार फक्त मतासाठी लोकांना चिंता म्हणतो, अच्छे दिन येणार असं सांगतं, पण याच्यापेक्षा कितीतरी अच्छे दिन चांगले दिवस हे काँग्रेसच्या काळात होते। बीसीएन न्यूज के लिए कोणार से शेख समद की रिपोर्ट।